सीएम योगी बोले, पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने गोरखपुर खाद कारखाना परिसर में 9,650 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। गोरखपुर में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है, क्योंकि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने ही खाद कारखाना व एम्स गोरखपुर का शिलान्यास किया था। आज उन्हीं के हाथों में उनका लोकार्पण भी हो रहा है। इससे पहले तो विपक्ष ने इसे नामुमकिन बना दिया था, लेकिन उनको नहीं पता है कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है, कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। मेरठ रैली में जयंत चौधरी ने किया सपा से गठबंधन का ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन का मंगलवार को औपचारिक ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंच पर मौजूदगी में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन का ऐलान करने के साथ कहा कि उत्तर प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने मेरठ के दबदुंदुआ में संयुक्त रैली की। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की इस परिवर्तन संदेश रैली में जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार आने पर हम किसान आंदोलन के शहीदों की याद पर मेरठ में स्मारक बनवाएंगे, जिसे शहीद किसानों की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। यूपी मऊ में ग्राम सभा तेंदुली में निकाली गई कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश मऊ में ग्राम सभा तेंदुली में निकाली गई कैंडल मार्च, जहां पर युवाओं ने शांति कैंडल मार्च निकाला। वहीं आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर तेंदुली के युवाओं द्वारा शांति कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों युवाओं ने पलीगढ़ ग्राम सभा से होते हुए तेंदुली खानपुर तक शांति कैंडल मार्च निकाला। जी, आप अपना पर्चे बताइए। मेरा नाम विनय कुमार गौतम है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी, जो आज कैंडल मार्च निकल रही है, ये कैंडल मार्च कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? एक कैंडल मार्च जो है हमारे ग्राम सभा बीबीपुर के मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं बहने यहाँ हैं और ये कैंडल मार्च अपने गाँव से निकाल करके एक दूसरे छोर से दूसरे छोर तक एक बाबा साहब को और प्रतिमा वहां लगाई गई है, वहां तक जाएगी। और आज बोधिसत्व बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके 66वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम दलित बाबा के सत्संग में आए कई लाख श्रद्धालु, कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। खबर फरुखाबाद के कोतवाली सदर क्षेत्र के लकुगा बाग की है, जहां कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी हुई है। यहां बाबा के सत्संग में कई लाख श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं 2 गज की दूरी और मास्क पालन नियम की धज्जियां उड़ी है। जिले में सिटी मजिस्ट्रेट ने महज 50 लोगों की परमिशन दी थी, जिसके बाद भी लाखों की संख्या में आधा दर्जन से अधिक राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। वहीं जिले के अधिकारी मामले पर कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। बता दें कि पिछले 6 दिनों से सत्संग का पाठ चल रहा है। वहीं मीडिया से अभद्रता पर उतारू है निजी गार्ड। दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में दोषियों को मिली फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश मऊ जनपद में 12 वर्ष पूर्व घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिकारीपुर में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर दी गई 2 लोगों की हत्या के मामले पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम राम राजदिति ने इस घटना के संबंध में चले ट्रायल के बाद 3 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही 3 अभियुक्तों पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। देखे वीडियो। थाना घोसी का मामला है, एक गांव भिखारीपुर है। 2009 में 18/3/2009 को ये किया गया वादी मुकदमा। मृतक का पुत्र है तुलसी गुप्ता, उसके द्वारा थाने में तहरीर दिखाई गई कि उसके पिता खाना खा करके और गांव के सिवाने में ट्यूबवेल स्थित है वहीं गए थे सोने, और अभियुक्त
अभियुक्त गण द्वारा उसी जमीनी रंजिश को लेकर के और रंजिशन उनकी हत्या कर दी गई, और उसी के बगल में 25 मीटर की दूरी पर पब्बर